बसती उसकी किस्मत है जो मेहनत से घबराता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी। मेहनत चांद सितारे जुगनू, मेहनत दीपक बाती, रस्ते की एक एक ठोकर हमको है ये समझाती। मंजिल जिसको पग पग ढूंढे वो किस्मत का विधाता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी बुलंदी। और वो है मुश्ताक रिजवी साहब। ये अवार्ड उन्होंने तीसरी बार जीता है। जनाब, एक वक्त मैं भी आपकी कल्पना के कारीगर की तरह ही था। गलीचे बुनने वाले उस्ताद कासिम रिजवी का बेटा मुश्ताक। पर दादी का ये चेहरा नमूना था, देखो कितने प्यारे रंग हैं। रंग ना दिखाओ, मैं इन्हीं उंगलियों ने बुना है इसे। अगले दो कालीन एक बड़े गेस्ट हाउस के लिए है, दो चार पैसे मिल जाएंगे, बस काम शुरू कर दो। फिर पैसे कम देके गए हैं लोग। मुश्ताक को कलम थमा दे, उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे। कारपेट प्रॉपर्टी है माँ। अरे हाँ है। तुम्हें हाथ ही तो चाहिए, नमूने तुम्हारे पास नायाब से नायाब है। मुश्ताक को कलम थमा दे, हाथ मजबूत हो जाएंगे। कलम थमा दे, हाथ मजबूत हो जाएंगे। मुझे मुश्ताक के हाथ चाहिए, मुझे अपने काम में मुश्ताक के हाथ चाहिए। मुश्ताक बेटा, क्या है अम्मी? खाना खा लो बेटा। क्या है ये रोज रोज यही खाना क्यों? गोश्त अलग पकाना कितना अच्छा लगता है। अब्बू बाजार गए ना बेटा, आएंगे तो हांडी चढ़ा दूंगी, अभी खा ले। अब्बू नहीं लाएंगे। मिलेगा तो लेके आएंगे ना राजा बेटा, अभी खा ले। नहीं, मैं अब्बू के साथ खाऊंगा। पता नहीं अब्बू को कुछ क्यों नहीं मिलता है। मैं बड़ा होऊंगा ना तो इतनी सारी चीजें लाऊंगा। जल्दी से बड़ा हो जाना बचुआ, अब्बू थक जाते हैं ना। मैं स्कूल जाऊं तो और भी थकेंगे। मम्मी वो देखो डाकिया आया। सगीना भी आपका तार। अम्मी इसे तार क्यों कहते हैं बताना। मैं क्या जानू बेटा, मेरे लिए तो ये कागज का पर्चा ही है बस। अच्छा इसे संभाल के रख दो। और खोना नहीं। हाँ। वो देखो अब्बू भी आ गए। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अब्बू आपके लिए तार आया था। तार आया था? अब्बू अब्बू इसे तार क्यों कहते हैं? ये तार कब आया? बस आपके आगे आगे। अब्बू बताइए ना इसे तार क्यों कहते हैं? इसमें लिखा क्या है? अब मुझे क्या पता, मुझे क्या पढ़ना लिखना आता है। अरे सकीना, डाकिया आया था उसे पढ़वा लेती, कई बार तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। अब्बू अब्बू मैं चाचा जी को बुला लो। इसे तो ना बस हमेशा घर से बाहर भागने की सोचती है। जा राम प्रसाद को बुला ला। जी। लेकिन ये मुझे किसने तार भेजा होगा? इतनी सारी तरकारी कहाँ से पाए? अरे हाँ, वो भोला मिल गया था, उसकी माँ के लिए एक आसन बनाया था ना, जब जहाँ पूछना कुछ दे देता है, बड़ा भला आदमी। बेटा तुम्हारा गोश्त की राह देख रहा था। अब जो लाया हूँ उसे बना दो, न्याज समझ के खा लेगा। गरीब की चाह भी कभी रंग लाती है। अरे हाँ, रंगों से याद आया, मैं तुम्हारे लिए ऊन लाया हूँ, नीली और पीले रंग की। लेकिन ये बताओ क्या बनाओगी? परदादी बनूंगी आपकी। और क्या क्या
अरे नहीं, इन सारे रंगों को मिलाकर लहरिया कानून बुनूंगी। अच्छा अच्छा। अम्मी, चाचा जी नहीं है, 3 दिन बाद आएंगे। हमारे लिए ना ये 12 अंडे छोड़ के गए, जल्दी से बनाओ ना। ठीक है, बनाना, उठो ना, उठो ना। बनाते बेटा, हरी मिर्च भी डालना, बनाना। एक मिनट बेटा, बात करने दो। राम प्रसाद मिल जाता तो अच्छा। खिटखिट 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 खिट, वहीदा जहीदा अब जाएंगे पिट। रसीदा ना जाने भाग गई कहाँ। मुश्ताक बेटे, तू फंसा है। अच्छा जी, लाल हरा मिलके मिठू बनता है, पीला और नीला खूब जमता है। अब्बा गए बाहर, मुश्ताक चलता है। कहाँ जा रहे हो बच्चुआ? अम्मी, हाथ बहुत दुख रहे हैं, मैं जाऊँ? तो हमारे नहीं दुखते क्या? तुम तो बुढ़ी हो इसीलिए दुखते। नहीं 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 अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं अम्मी, मैं मजाक कर रहा था, सच बोल रहा हूँ, माफ कर देना। अब मैं जाऊँ। अच्छा जा। अब क्या हुआ? अब्बा डांटेंगे। क्या बताऊँ बच्चवा, तेरे अब्बा का कोई कसूर नहीं। फिर किसका है कसूर? शायद किसी का भी नहीं। जानते रामप्रसाद चाचा जी कहते थे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को रुलाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, सबको खुश रखना चाहिए। हाँ, शायद उनकी किताब में यही लिखा हो, मगर गुस्सा तो आता ही है ना आदमी को। चल काम करें, सुबह से बिल्कुल काम नहीं हुआ। क्या अम्मी? चलो अम्मी, हाथ बहुत दुख रहे मेरे। अच्छा एक काम करते हैं, तेरे अबू आएंगे ना तो तू लड़कियों को संभाला कर और मैं यहाँ बैठ जाया करूँगी, मगर कुछ काम सीख ले, आगे चल के काम लगेगा तुझे। सचमुच अम्मी, मैं लड़कियों को संभालू? फिर तो अब मैं उन्हें मार भी सकता। क्यों भला? क्यों, तुम नहीं मारती उन्हें? अरे तो मैं उनकी अम्मी हूँ या तू? अम्मी, तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं ना, इसलिए मैं उन्हें मारा था। शरारती होता जा रहा है। चलो अम्मी, अब मेरी मदद करो, मुझसे नहीं होता अकेले, बहुत दुख के हाथ। अरे अरे वहीदा, लगी तो नहीं? रो रही है। अरे चुप हो जाना, क्यों रो रही है? देख, मैंने तो, मेरी गलती नहीं है ना। चुप हो जा, चुप हो जा। अम्मी डांटेगी मुझे, तू चुप हो जा ना, चुप हो जा। मुश्ताक बेटा आ जा, तू तुझसे नहीं मानेंगी वो, मैं ही आती हूँ। काम के नाम पर सब भाग खड़े होते हैं, एक मैं हूँ पत्थर सा। तो तुम ही संभालो ना अपनी बच्चियों को। अच्छा जाओ, भेजो उसे। मुश्ताक बेटा, मुश्ताक। आजा बेटा। जी अबू। बैठ जा काठी पे। जी। आराम से काम करियो। हाँ जी। अबू जरा दीजिए। रामप्रसाद चाचा जी के यहाँ गया था, उधर ना उनके पास एक किताब थी, उसमें ढेर सारी फोटो थे। उसमें ना आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, इन सारी जगहों की फोटो थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू काम करता रहे। जी। अबू, आप जानते हैं वहाँ के लोगों की शक्ल अपने से मिलती जुलती है, इसलिए हम वहाँ जा सकते हैं ना? हाँ।
अबू उधर की जमीन भी अपने जैसी होगी ना, इतनी बड़ी लॉरी की भी फोटो थी और ना हमारे कालीन की भी थी, इतने बड़े कमरे में रखा था वहाँ, कितना अच्छा लग रहा था। अबू तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता है, राम प्रसाद चाचा जी को सब कुछ पता रहता है। क्योंकि राम प्रसाद चाचा जी को कौंच कौंच कर खाने वाला ऐसा कुनबा नहीं है, राम प्रसाद चाचा को तो भेजा चलता है, बातें बनाता रहता है वो, और मेरा हाथ चलता है, और तेरी तेरी तो सिर्फ जुबान चलती है। ठीक है अब काम करता हूँ। कहा ना पढ़ाई कर, जब देखो बदमाशी करती रहती है। सकीना बड़ा अच्छा किया जो तू आ गई, अरे मुझे तो बड़ी फिक्र लगी रहती थी तेरी, कहीं फिर कोई दर्द दर्द ना उभर आया। अरे इस हालत में तो सेहत का ध्यान रखा कर, खाने पीने का ख्याल रखा कर। चाय पिएगी? नहीं, घर में बच्चे उधम मचा रहे होंगे, आप तो बस हमें वो टिकिया दे दो। अच्छन की बहू कह रही थी उससे बच्चों की खुजली ठीक हो गई, मैं तो बच्चों की खुजली से बहुत ही परेशान हूँ। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं लेके आती हूँ, तू पढ़ाई कर। अरे छोटी बिटिया तुम बोलती नहीं हो क्या? हम छोटी बिटिया नहीं है। हाय हाय तू फिर कौन हो? बड़ी, मेरे पास इतने किताबें हैं, आपके पास है तो लो मेरे वाली पढ़ लो। मगर कैसे? ऐसे। हम नहीं ना जानते पढ़ना लिखना। आओ, इतनी बड़ी होकर भी नहीं आता, आपको माई ने डांटती थी? डांटती तो थी, खूब डांट पड़ती थी, मगर जब हम काम नहीं करते थे ना तब। आपकी लड़की है? हाँ है ना, तीन बेटियां हैं। तीन? हाँ, एक तो बिटवा भी है। आप उनको पढ़ाती कैसे है फिर? वो पढ़ाई नहीं करते बेटे, कालीन बुनता है। मेरी माई स्वेटर बुनती है, वैसे वो क्यों बुनता है? खेलता नहीं, मैं अकेली भी खेल सकती हूँ, कभी कभी माई भी मेरे साथ खेलती है। अच्छा। चुप ज्योति, ये लो सकीना टिकिया। बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो ना। अच्छा बाकी बच्चे कैसे हैं? बस सब वैसा ही है। तुम्हारा भी ना भगवान मालिक है, कैसे बड़ा करोगी सबको? आपके घर में सब छोटे हैं? हाँ छोटी बिटिया। मैं देखो कितनी बड़ी हूँ, है ना माई? चुप कर, कितना बोलती है, दिमाग खा जाती है, चल पढ़। माई, इनकी माई इन्हें पढ़ने के लिए कभी नहीं मारती थी, इनको पढ़ना नहीं आता। चुप पगली, किताब पढ़। सकीना, मुश्ताक कैसा है? वो मिला था मुझसे पर दिन भर खांसता रहता है। वो उनके रेशे की वजह से हल्की हल्की खांसी तो इस लैंड में सभी को होती है। अच्छा अब मैं चलूं। सलाम छोटी बिटिया। आपको मेरी किताब पढ़नी हो तो ले जाना, माई इनका लड़का बुनता है, किताब नहीं पढ़ता, मैं भी बुनूं। क्या बुन रही हो? अरे वाह भाई, बड़ा अच्छा बुना है। भाई बाजार वाला अगर इसे देख लेगा ना तो मेरे कालीन से ज्यादा कीमत देगा। कुछ भी कहो सकीना, तुम्हारे हाथ में जादू है। अरे क्या हुआ है? बाबू के आने तक काम तो निपट जाएगा ना सारा? हाँ कोशिश तो कर रहा हूं, तभी रुपया मिलेगा। आज सरला दाई के वहां गई थी, खूब डांट रही थी मुझे, सच ही तो कह रही थी, इतने बच्चों को कैसे पालेंगे हम। जिसे दुनिया में आना है वो आएगा और जिएगा भी,
अल्लाह अपने बंदों को जमीन पर भेजता है और हम तो सब उसके रखवाले हैं। तुम जो कर रही हो वो करो। एक ही बिटिया है सरला दाई की। ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो तो बस सबर कर रही है। तुम सबर की बात कर रहे हो, वो तो बड़ी खुश नजर आती है। एक ही बिटिया है, ऐसे पटर पटर बोलती है कि बस सबका मन मोह लेती है, और अपनी तो बस ऐसी मिट्टी में मिल रही है, और वही हाल मुश्ताक का भी है। देखो सकीना, हम सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर जरा सी मिट्टी लग गई तो क्या हुआ? सरला की एक ही बिटिया है, बित्ते भर की है, अगर जो बड़ी बड़ी बातें करती है, हाय अल्लाह, सुनते ही बनती है और पढ़ना भी जानती है। मुझे बुरा लगता है तो बस मुश्ताक के लिए, बेचारा। देखो सकीना, ये राम प्रसाद है ना, बहुत बातें करता है, इसकी सारी बातों पर कान देना जरूरी नहीं है। और फिर हमारे बाप दादा ऐसे ही यहाँ पर ऊन से बाग बगीचे बुनते आए हैं, लेकिन कभी खाया कभी नहीं, लेकिन यहाँ से हटे नहीं, गंगा के किनारे मट्टी बन गए। हम भी ऐसी मट्टी बन जाएंगे। कहना क्या चाहते हो? देखो बात साफ है, मुझे मुश्ताक की जरूरत है। मेरा बच्चा हजार साल जिए मगर दो अक्षर पढ़ लेता तो। अब फिजलू को बुला लो ना। फिजलू को कैसे बुला लूं? और फिर बिना पैसे कोई काम करता है क्या? मैं कहां से दूंगा उसको पैसे? अपनी चमड़ी के रुपए बना दूं क्या? वो भी नहीं चलेंगे। देखो मैं किसी को नहीं बुला सकता। ये राम प्रसाद भी ना जाने क्या रोग लगा गया, और तुम भी उसी बात का रोना रोती रहती हो। दुखी सकीना, चुप हो जाओ। भाईजान कह रहे थे खर्चा नहीं ना होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। देखो अल्लाह सबका मालिक है, सब ठीक करेगा। हाँ, अब ये रोना बंद करो। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम। अरे दो ही हाथ है ना, जब देखो तब पीछे पड़े रहते हो। कासिम भाई, कैसे हो? खुश हो ना? हाँ भाई, आओ। घर में आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। क्यों भैया? अरे भैया, तुम तो घर में स्कूल का बुखार छोड़ गए हो। हाँ। और पूछ रहे हो खुश हो? स्कूल ना हुआ, चचा जुम्मन की जायदाद हो गई है। अरे क्यों निराश होते हो भैया, वो भी हो जाएगी। सरस्वती घर में आ गई है ना, लक्ष्मी भी आ जाएगी। हाँ। हाँ? अच्छा भाभी, ये ऊन का गोला छोड़ो, मुझे दो ये केले पकड़ो और ये गन्ने का रस बच्चों को दे दो। बच्चे दिख नहीं रहे? बच्चे कहाँ है? भीतर है, सारे के सारे बुखार में पड़े हैं। अरे रे रे रे, कुछ दवा दी कि नहीं? तुलसी का काढ़ा और क्या। लो, मेरे घर में कुनैन पड़ी थी, मुझे क्या मालूम था, बाद में दे जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ मास्टर जी। हाँ। तुम ये बीच में कहाँ चले गए थे? अरे भैया कासिम, मेरा काम तो पता है ना तुम्हें, किताब कॉपी मांगने गया था वो कांतिलाल सेठ के पास। कांतिलाल सेठ? उस मक्खी चूस ने तुम्हें क्या दिया होगा? ना ही भैया, कितना भी कंजूस हो ससुर, पढ़ाई के लिए दे देता। अच्छा कासिम, वो चौकीदार कह रहा था कि अपना मुश्ताक आया था वहाँ पर। अरे उसके छोड़ो, उसे तो बस इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई है। और एक तुम हो, उसे कुछ ना कुछ खट्टा मीठा पकड़ाते रहते हो। अरे भैया, हमारा लड़का तो लालची हो गया। तुझे ने तो भेजा था उसे तार लेकर। तार? कैसा तार? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना भैया? तुम पढ़ो तो पता चले, यहाँ कौन से रोज रोज तार आते हैं। ये लो, अभी तक पढ़वाया भी नहीं। अरे कासिम, तार का मतलब समझते हो ना भाई? अरे भाई सब समझता हूँ। हाँ? दोबारा डाकी आया नहीं और तुम यहाँ थे नहीं, तो मैं किससे पढ़वाता? मैं पढ़ता क्या? हाँ। जा सकीना, तार लेके आ। मेरे पास नहीं ना है। अरे भाई मुश्ताक से पूछ लेना। ले, मुश्ताक से पूछ लेना। अरे मुश्ताक ने अब तक तो किश्ती विश्ती बनाकर उसे पानी में बहा दिया होगा भाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ही के जेब से मिला है, जब देखो तब मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। लाओ, लो भाई पढ़ो। मुझे किसी लाट साहब ने बुलाया है क्या? सब ठीक है ना? कोई बुरी खबर तो नहीं भाईजान? कासिम तेरी किस्मत खराब है भाई। इसमें ऐसा लिखा है क्या? वैसे वो मैं बिना पढ़े भी बता सकता हूँ। तू तो सब बता सकता है, ये शहर से मनसुखानी सेठ ने भेजा है। रुपए नहीं भेजेंगे क्या भाईजान? अरे भाभी से शहर बुलवाया था रंगों की बात करने के लिए। सो क्यों? सो क्यों? अरे 6 कालीन बनवाना चाहते थे अपने नमूने के, समझ गया?
तेरा एक कालीन पहले से उनके पास था भाई, बहुत पसंद आया उनको। पेशगी भी देंगे क्या? अरे भाभी पेशगी, हर कालीन के पीछे अलग अलग पेशगी देना चाहते थे। अरे अब तक तो वो लौट गए होंगे। पर तुम एक बार शहर जाके बाबू से मिल तो आओ। अरे अब का बाबू से मिलाओ, बाबू और गुप्ता जी दोनों बाहर मुल्क जाने वाले थे 3 महीने के लिए, शायद चले ही गए होंगे। 3 महीने के लिए? हाँ। रुपए भी नहीं देके गए? रुपए देके नहीं गए, बुलवाया था ना, गए क्या तुम वहां पर? अरे मुझे क्या पता था कासिम, यही तो गड़बड़ है, तुझे तो कभी कुछ भी पता ही नहीं रहता यार। अब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता है, राम प्रसाद चाचा जी को सब कुछ पता रहता है। सकीना, उस्ताद का बुखार उतर गया है क्या? शाम को चढ़ जाता है, अभी तो सो रहा है। अब मुश्ताक से क्या काम है, सोने दो उसे। मुश्ताक स्कूल जाएगा, उसे मैं पढ़ाई के लिए खाली छोड़ूंगा। किस्मत को मैं उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करने दूंगा। सकीना, मुश्ताक स्कूल जाएगा, वो अब अपने बाप की तरह जाहिल नहीं बनेगा। भैया कासिम, तूने मुश्ताक को स्कूल भेजने का जो इरादा किया है ना, बहुत अच्छा, बहुत नेक काम किया। अरे छोड़ छोड़, लो अपना मुश्ताक भी आ गया। अम्मी जल्दी आई ना, चाचा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी अरे ठहरो बचुआ। अम्मी एक बात बताइए पहले, नई कमीज में कैसा लगा? जच रहा हूँ ना, बहुत जच रहा है रे। ये ले, ये खाना है और इसे पहन जी। और पहली बार स्कूल जा रहा है, बदमाशी बिल्कुल भी मत करना जी। अम्मी खूब मन लगा कर पढ़ना और अपना नाम रोशन करना, ठीक है? हमें जाओ। आजा शाबाश, बैठ इधर बैठ। नई कमीज में तू बहुत अच्छा लग रहा भाई। हाँ अभी तू और अच्छा लगेगा, देख ये किताब में पकड़ बेटा। कासिम देख कैसा बढ़िया लग रहा है हमारा मुश्ताक है। हाँ यार लग तो रहा है। हाँ। आज पहली बार भेज रहा हूँ यार, थोड़ा डर सा लग रहा है। यार क्यों डर रहा है तू? हाँ बिस्मिल्लाह कर, मुश्ताक को मास्टर जी के हवाले कर दे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा यार। अबू अबू मैंने खाना भी रख लिया, दिखाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, देख तू वहाँ पढ़ने लिखने जा रहा है, मस्ती वस्ती करने नहीं। हाँ समझे यार, इतना क्यों घबरा रहा? मैं हूँ ना वहाँ पे इसे संभालने के लिए। हाँ मैं हूँ। लेकिन एक बात बता यार। हाँ यार, ये जल्दी से पढ़ लिख जाएगा ना, इतना उतावला क्यों हो रहा है यार? एक एक कदम रख कर ही चलना सीखेगा ना, होनहार बच्चा है ये, तेरा नाम रोशन कर देगा मुश्ताक एक दिन, देखना। वो तार के 3 अक्षरों ने यार बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बस ये अब जल्दी से पढ़ लिख जाए, फिर कभी ऐसा धोखा ना हो। मैं खूब पढ़ूंगा अबू। हाँ बेटा तुम खूब पढ़ना। कासिम बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, देखना एक दिन इन 3 अक्षरों के सहारे हमारा मुश्ताक सारी दुनिया से नाता जोड़ेगा। क्यों बेटा? हाँ एक बात बताइए चाचा, मास्टर जी मारेंगे मारेंगे तो नहीं ना? हेलो, तुझे सवेरे सवेरे भूख लगी है बेटा, जो मार खाने की इच्छा हो रही है? देख मैं समझाता हूँ, मास्टर जी जो कहें ध्यान से सुनना, समझना और याद रखना, ठीक है? घबराना नहीं है जी। बाद में घर में आकर मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है? चल चलो भाई, चलो जल्दी चलो, अड्डे पे भी आके बैठ। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंचे दस। अब बच्चों हम फिर से चलेंगे, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंचे दस। दो एकम दो। प्रसाद जी। हाँ जी। अच्छा शांत बैठो बच्चे, आइए आइए। नमस्कार राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप? बस माफ कीजिए आपको कष्ट दे रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मुश्ताक। अच्छा आपकी क्लास के लिए लाया हूं। अच्छा बहुत ही होनहार बच्चा है। अजी होनहार तो बच्चे यहाँ आते ही हैं, फिर न जाने क्या हो जाता है इन्हें। देखो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं भी बूढ़ा हो गया, बाल भी पकने लगे हैं, अब एक दिन तुम्हारे भी पक जाएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाल तो पकते रहते हैं, सफेद काले होते रहते हैं, मुख्य बात तो ये है कि बच्चों को इंसान बनना चाहिए, इंसान। अजी वो ठीक है, वो दिन डूबा जब कुबड़ा भी घोड़ी चढ़ा, अब तो कितना भी कान खींचो इनके समझते ही नहीं है। कानों से तो सुनकर ये विद्या प्राप्त करते हैं, उन्हें आप खींचते ही क्यों हैं? खैर ये मुश्ताक है,
मैं इसे आपकी क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ। मुश्ताक बेटे अच्छी तरह पढ़ना, मास्टर जी तुम्हें पढ़ाएंगे, डरना नहीं, ठीक है मास्टर जी? जी मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे देख लूँगा, अच्छे से पढ़ा लूँगा। फूल सिंह जी, मास्टर जी, मास्टर जी, वो मैंने कुछ नहीं किया, वो सुरिंदर बोल रहा था, वो बोल रहा था मैंने कुछ नहीं किया। हाँ गलत बात है, ऐसी मस्ती कभी नहीं करना, मस्ती करना बुरी बात नहीं है लेकिन पढ़ाई के बाद, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना, ठीक? देखो बेटा ये मुश्ताक है, नया नया पढ़ने के लिए आया है, से अपने पास बिठाना, सबसे दोस्ती करा देना। मुश्ताक मास्टर जी तुम्हें अच्छी अच्छी बातें पढ़ाएंगे, ठीक है? जाओ बेटा, जाओ लेके जाओ। आओ मुश्ताक, मैं कंचे दिखाता हूँ, गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं ना, बड़े प्यारे बच्चे हैं। अच्छा मास्टर जी, इसके माँ बाप ने बहुत उम्मीद से इसे क्लास में भेजा है जी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह पढ़ जाए। राम प्रसाद जी आप निश्चिंत रहिए, बड़ा अच्छे से पढ़ेगा बच्चा, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। जय राम जी, जय राम जी। हाँ तो बच्चों चलो फिर से पहाड़ा पढ़ो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंचे दस। अरे तुम रोटी नहीं लाए का? नहीं मैंने लाई दी है, थोड़ा गुड़ भी है, तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं मेरे पास तो हलवा है, ये देखो। हलवा? तुम रोज हलवा खाते हो? ना बाबा, कल माई के सामने मैंने पूरा पाठ याद किया था तब जाके माई ने दिया है। मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। क्या कंचे खेलने आते हैं? नहीं। फिर लट्टू? वो भी नहीं आता। तो फिर तुम खेलते क्या हो? खेलता हूँ ना वहीदा जहीदा रशीदा, इन सब के साथ मैं खेलता हूँ। तुम लड़कियों के साथ खेलते हो? हाँ अम्मी कहती है अपनी बहनों को संभालो उन्हें खिलाओ, तो मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। अच्छा बहनों के साथ खेलते हो, तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं। मेरा भी नहीं है। अच्छा फिर तुम अकेले करते क्या हो? कालीन बुनता हूँ अपने अब्बू के साथ, मेरी अम्मी भी बुनती है। अच्छा तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? नहीं। दत्त, अरे खिलौने तो सभी बच्चों के पास होता है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे चाचा जी कहते हैं बहुत अच्छा दिमाग है। अरे बाबा वो नहीं, जैसे कंचे लट्टू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, लेकिन ये सब ना होना क्या बुरी बात है? बुरी बात तो है भैया, लेकिन सुनो ये लो, ये तुम चार कंचे लो, अब हम सुरिंदर से और जीत लेंगे। अरे बाप रे, मार्च साहब आ गए, चलो चलो जल्दी चलो। हर इंसान का फर्ज है ये मेहनत से जीन चुराए, मेहनत कश अपने कदमों पर सूरज को भी झुकाए, आंधी और तूफान में भी जो ज्ञान का दीप जलाता है, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी।